हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। हम लोग जेईई और नीट का रिवीजन सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन और इनके क्वेश्चंस की बात कर ली थी। ठीक है, तो हम लोग आज उसी एल्डोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जैसे टिसेंको रिएक्शन, परकिन, बेंजोइन, उसी टाइप के कुछ एल्डिहाइड कीटोन की ही रिएक्शंस की बात करेंगे। हम लोग पहले ऐसा करेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन के जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इसको डिस्कस कर लेंगे ऑर्गेनिक में, फिर किसी नेक्स्ट चैप्टर को टच करेंगे। क्लियर? तो बिफोर स्टार्टिंग हम एक बात डिस्कस कर लें, जैसे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज या फोन आ रहे थे, तो वो लोग परेशान ये है कि जैसे लॉकडाउन की वजह से कब एग्जाम्स होंगे, टलेगा नहीं टलेगा, देर में होगा। तो सबसे पहली बात एकदम सिंपल है, हमारे हाथ में क्या है? पढ़ाई करना, कर्म करना। तो हम लोग पढ़ाई करते रहें। एग्ज़ाम लेट होगा, थोड़ा और लेट होगा, जुलाई में होगा, जून में होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। अब सिचुएशन ऐसी है पूरे वर्ल्ड की कि जब ये सिचुएशन थोड़ी ठीक होगी तभी एग्ज़ाम हो पाएगा। तो हम अपने को रिलैक्स ना करें बहुत ज़्यादा कि हम रिलैक्स हो गए एग्जाम को लेकर के डिले होगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन से भी काम नहीं चलेगा कि अब होगा तब होगा ऐसे होगा। आप सिर्फ अपना काम करते रहिए, रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और इसको पॉजिटिवली लीजिए कि सपोज May 3 को आपका एग्ज़ाम होने वाला था, आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया, ज़्यादा अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग को इधर उधर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कैसे होगा क्या होगा, बस एक प्रॉपर प्लानिंग करिए और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं और आगे हम लोग बात करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन के अलग और रिएक्शंस की। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, कैनिजारो जैसा ही रिएक्शन, एक टिसेंको रिएक्शन। टिसेंको रिएक्शन ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइड कैनिजारो रिएक्शन, दिस इज नोन एज मॉडिफाइड कैनिजारो। एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोगों ने देखा था कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल देते हैं जिनके पास अल्फा कंपलसरी है, अल्फा होना मस्ट है। कैनिजारो में हमने देखा था कि जो एल्डिहाइड विदाउट अल्फा है वही केवल कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। इसको मॉडिफाइड इसलिए बोलते हैं कि इस केस में आप देखो रिएक्टेंट क्या होता है, इस केस में रिएक्टेंट होता है टिसेंको रिएक्शन के अंदर ऑल एल्डिहाइड्स मींस विद और विदाउट अल्फा, विद और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और इसके अंदर रिएजेंट मतलब किस चीज की प्रेजेंस चाहिए? एल्यूमिनियम इथॉक्साइड C2H5O3Al, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस। एंड प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन इज एस्टर, प्रोडक्ट इज एस्टर। कैनिजारो में अल्कोहल और एसिड, एक पार्ट ऑक्सीडाइज और दूसरा पार्ट रिड्यूस, इस केस में प्रोडक्ट सीधा एस्टर बन जाता है, इसलिए हम इसको मॉडिफाइड कैनिजारो बोलते हैं। तो देखिए रिएक्शन कैसा होता है, ऐसा देखो आप रिएक्शन में, सपोज हमने लिया 2CH3CHO। अब यहां पे आप देखो अगर हम ले लें C2H5O3Al, ये ले लिया, तो इस केस में एक पार्ट इसका ऑक्सीडाइज और एक पार्ट रिड्यूस, एक पार्ट ऑक्सीडाइज CH3COOH एंड दूसरा पार्ट रिड्यूस HOC2H5। तो ये एक तरीके का इंटरमीडिएट हम लिख रहे हैं, इंटरमीडिएट बनता नहीं है लेकिन ऐसे लिख रहे हैं ताकि आप समझ जाए, ये कैनिजारो का प्रोडक्ट हुआ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। अब इससे आप वाटर निकाल देंगे तो आप देखिए क्या बन जाएगा, CH3COOC2H5। क्लियर, तो ये आपका
टिशेंको रिएक्शन कहा जाता है, यहां से डायरेक्ट प्रोडक्ट ये मिलता है। क्लियर। अब इसके बाद आप देखो, सपोज हमने एक और एग्जांपल लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, ये ले लिया, इसको बोलते हैं आप एक्रोलीन, दिस इज एक्रोलीन। अगर इसमें आपने लिया C2H5O होल थ्राइस Al, इस केस में फिर वही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस मतलब आप देखो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड COOH, दिस इज ऑक्सीडाइज पार्ट, एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये रिड्यूस पार्ट। क्लियर, ये ऑक्सीडाइज पार्ट और ये रिड्यूस पार्ट। अब यहां से फिर वही आपको वाटर निकाल देना है, यहां देखो CH2 डबल बॉन्ड CH COO, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया इस रिएक्शन का। क्लियर है, एक पार्ट ऑक्सीडाइज एक पार्ट रिड्यूस, फिर एस्टर, इसको बोलते हैं हम लोग एलाइल एक्राइलेट। क्लियर है, तो ये आपका हुआ टिशेंको रिएक्शन। क्लियर, चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज क्लेजन स्मिट रिएक्शन। अभी हम लोग आगे बात करेंगे और टॉपिक्स में स्मिट रिएक्शंस की भी अलग से बात करेंगे, जो हाइड्रोजोइक एसिड के साथ होता है। अभी हम लोग एल्डिहाइड कीटोन पे फोकस कर रहे हैं। तो क्लेजन स्मिट रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन के अंदर आप देखो रिएक्टेंट क्या होता है। देखो एक सिंपल सी बात है कि किसी भी रिएक्शन को अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएजेंट जान लो, और अगर मैकेनिज्म भी सिलेबस में उस रिएक्शन का है तो मैकेनिज्म में कैसे होता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, कौन अटैकिंग रिएजेंट है, ये जान लो। तो चूंकि क्लेजन स्मिट का ऐसा कोई मैकेनिज्म आपके यहाँ सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप इस पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट और रिएजेंट जान सकते हैं, तो आसानी से आपका काम हो जाएगा। इस रिएक्शन का जो रिएक्टेंट होता है वो है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स विद अल्फा हाइड्रोजन प्लस बेंजल डिहाइड। ये फिक्स है, एल्डिहाइड और कीटोन्स विद अल्फा हाइड्रोजन प्लस बेंजल डिहाइड क्लेजन स्मिट रिएक्शन का रिएक्टेंट है। और इस केस में रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट इस केस में है आपके पास डाइल्यूट बेस, रिएजेंट इज डाइल्यूट बेस, ठीक है। एंड प्रोडक्ट, इस केस का प्रोडक्ट, क्योंकि कभी कभी सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्रोडक्ट इस रिएक्शन का जो बनने वाला है वो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन मतलब आपने ये प्रोडक्ट कौन सा लिया, ठीक है। तो अब अगर इसका एग्जांपल आप देखना चाहो तो आप देखो, फर्स्ट इज सपोज हमने लिया एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ बेंजल्डिहाइड को लिया, तो आप देखो बेंजल्डिहाइड इज C6H5CHO, दिस इज बेंजल्डिहाइड प्लस CH3CHO है ये, ठीक है। और हमने यहां लिया डाइल्यूट बेस, तो डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में ये देखिए ऐसा रिएक्शन। ये रिएक्शन ऑलमोस्ट वैसे ही होता है जैसे एल्डोल कंडेंसेशन होता है। तो यहां पे आप देखिए क्या बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं हम लोग सिनेमेल्डिहाइड, जैसे सिनेमेल्डिहाइड। क्लियर, अगर यही चीज कीटोन की बात करें,
C6H5CHO plus H2CHCOCH3। अब यहां पे देखिए वाटर निकल गया, ये डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में हुआ, ये भी रिएक्शन डाइल्यूट बेस। देन C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOCH3, दिस इज बेंजाइलिडीन एसीटोन। तो यहां पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बना, क्लियर है। तो ये आपका है क्लेजन स्मिट रिएक्शन। अब हम लोग जरा बेंजोइन पर्किन इन रिएक्शंस की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या है, बेंजोइन कंडेंसेशन का रिएक्टेंट समझिए क्या है। रिएक्टेंट है इसका बेंजाल्डिहाइड। बेंजोइन कंडेंसेशन का रिएक्टेंट बेंजाल्डिहाइड। रिएजेंट क्या है, रिएजेंट इज एल्कोहलिक केसियन। एल्कोहलिक केसियन मतलब केसियन में अल्कोहल मिलाया गया है, अल्कोहल में केसियन मिलाया गया है। एल्कोहलिक मींस इथेनॉलिक भी कह सकते हो, इथेनॉल मिला हुआ है उसमें। एंड प्रोडक्ट इज फॉर बेंजोइन कंडेंसेशन, प्रोडक्ट इज बेंजोइन। तो अब देखते हैं रिएक्शन क्या है और इसका छोटा सा मैकेनिज्म है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए रिएक्शन क्या है बेंजोइन, आपने लिया बेंजाल्डिहाइड के दो मोल्स, दिस इज बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड प्लस बेंजाल्डिहाइड एंड दिस इज एल्कोहलिक केसीएन। ये दो मोल बेंजाल्डिहाइड के लिए गए हैं और एल्कोहलिक केसीएन लिया गया है। तो इसमें देखिए क्या है रिएक्शन के अंदर, आप देखो ऐसा कुछ यहां OH को यहां ट्रांसफर कर दो तो प्रोडक्ट देखो यहां पे क्या बन रहा है आपके पास, ये देखो COH, एक वैलेंसी इसकी फ्री हुई वो यहां आपने जोड़ दिया COH, दिस इज बेंजोइन, दिस इज बेंजोइन, बेंजोइन। तो अब ये बनता कैसे है, थोड़ा सा हम लोग बेंजोइन कंडेंसेशन के मैकेनिज्म पे बात कर लेते हैं। तो देखिए मैकेनिज्म क्या है बेंजोइन कंडेंसेशन का, देखो होता क्या है, एक मोल फर्स्ट मोल बेंजाल्डिहाइड जो हम ले रहे हैं, इस बेंजाल्डिहाइड से आप एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेंगे जो अगले मोल बेंजाल्डिहाइड पे अटैक करेगा। हम लोग अभी आगे वीडियोस में पढ़ेंगे भी, वैसे एल्डिहाइड कीटोन चूंकि रिवीजन है आप पढ़े हैं कि एल्डिहाइड कीटोन्स जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा कैसे, आप देखो ये CN- है, CN- एक न्यूक्लियोफाइल है, ये खुद भी इसको न्यूक्लियोफाइल अभी बनाने वाला है। ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, आपको एकदम क्लियर है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। तो जब यहां पे आएगा तो आप देखो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, सी ओ माइनस एच और क्या लग गया यहां सी एन, ठीक है। अब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं कर सकता, इसलिए ये अपने को रीअरेंज कर लेता है। इस H को आपने यहां भेज दिया H प्लस को तो ऑटोमेटिकली माइनस चार्ज C पे आ जाएगा, मतलब अब देखो ये हो जाएगा C, यहां पे हो गया OH एंड दिस इज CN एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज न्यूक्लियोफाइल फॉर अटैक। अब ये न्यूक्लियोफाइल अगले मोल बेंजाल्डिहाइड पे अटैक करेगा। तो ये नेक्स्ट मोल हम बेंजाल्डिहाइड अगर लेते हैं तो आप देखो नेक्स्ट मोल बेंजाल्डिहाइड पे कैसे ही अटैक करेगा, ध्यान देना भाई, सी ओ एच दिस इज बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल है तो सीधी बात है, फिर वही बात, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो
कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव पे जाके अटैक करेगा, और अटैक किया तो आप देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैं यहां बनाता हूं कुछ, ठीक है, थोड़ा ऊपर बनाता हूं आपको दिखाई दे प्रॉपर। अब देखो क्या होने वाला है, देखिए इसको मैं बना रहा हूं पहले, देखिए दिस सी ओ माइनस, यहां लगा है एच, दिस इज ओ माइनस। अब यहां पे सीधा सीधा इसी से क्या आके लग गया है ओ एच, कौन सा, ये रहा ओ एच, ठीक है, ऐसे लिख ले तो अभी आपको आगे वाला रिएक्शन दिखाना थोड़ा हमारे लिए आसान होगा। OH, ठीक है, यहां क्या लगा है CN, और यहां पे लगा हुआ है बेंजीन रिंग। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करके ये बनाया, ठीक है, और हमें मालूम है अल्कोहलिक KCN इज रिएजेंट, वो रिएक्टेंट नहीं है, वो बाद में रिमूव होना है, हटना है। वो कैसे हटेगा, आप देखो इस H को H प्लस को यहां ट्रांसफर कर दें, अगर हम H प्लस, हम ऐसे आप समझ लीजिएगा H प्लस यहां से जा रहा है, प्लस जाएगा तो यहां क्या चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज। तो हम चूंकि एक ही स्टेप में होता है, लेकिन हम इसको दो स्टेप में दिखा रहे हैं आपको, आप देखो ऐसा कुछ होगा सी ओ सी एच, यहां पे आ गया ओ एच, और यहां पे आ गया ओ माइनस, और यहां है सी एन एंड दिस इज बेंजीन रिंग, क्लियर। अब देखो आप सीधा सा कॉन्सेप्ट, ये चार्ज तो रहेगा नहीं और इसको हटना भी है बिकॉज ये रिएजेंट का रिएजेंट है, रिएक्टेंट का पार्ट नहीं है। मतलब अब यहां अगर ये डबल बॉन्ड आप बनाओगे तो ऑटोमेटिकली ये रिमूव होगा, है कि नहीं। तो अब देखो आगे क्या हो जाएगा, यहां बना देते हैं हम लोग प्रोडक्ट, यहां पे क्या निकल गया CN माइनस, ठीक है, और CN माइनस निकल गया तो आपका जो अल्टीमेट फाइनल प्रोडक्ट बना वो ये बना, देखिए दिस इज बेंजोइन सी ओ एंड दिस इज बेंजीन रिंग, दिस इज बेंजोइन, तो अल्टीमेटली बेंजोइन फॉर्म हो गया। तो ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है, बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप। अब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करते हैं, जिसका नाम है परकिन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका छोटा सा मैकेनिज्म भी हम देखेंगे। देखिए परकिन रिएक्शन क्या है, तो हम लोगों ने कहा है सबसे पहले हम तरीका रिएक्शन याद करने का, हम लोग देखें रिएक्टेंट, परकिन रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या है। तो रिएक्टेंट आप समझो, परकिन रिएक्शन का रिएक्टेंट पहले तो है बेंजाल्डिहाइड प्लस एलिफैटिक एनहाइड्राइड, बेंजाल्डिहाइड प्लस एलिफैटिक एनहाइड्राइड विद टू अल्फा हाइड्रोजन, विद टू अल्फा हाइड्रोजन, ये है रिएक्टेंट। इसके बाद आप देखो प्रेजेंस, मतलब रिएजेंट या प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, रिएजेंट्स या किन चीजों की प्रेजेंस होनी चाहिए फॉर रिएक्शन। तो प्रेजेंस में अगर आप देखोगे तो प्रेजेंस आपके लिए यहां होना चाहिए बेस, लेकिन ये बेस कोई साधारण नहीं कि आपने NaOH ले लिया, बेस ऐसा होना चाहिए, ध्यान रखना यहां पे, बेस होना चाहिए सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड फ्रॉम विच एनहाइड्राइड डेराइव्ड, फ्रॉम विच, यहां लिख देता हूं एनहाइड्राइड डेराइव्ड, ध्यान देना क्या कह रहे हैं। जैसे मान लो एसिटिक एनहाइड्राइड यहां यूज किया तो ये होना चाहिए सोडियम या पोटेशियम एसीटेट। और ये बेस क्यों कहा मैंने, क्योंकि आपको मालूम है ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड्स हैं, और अगर वीक एसिड्स के साथ सोडियम या पोटेशियम का बेस लेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। इसके अलावा प्रेजेंस होनी चाहिए हीट की और वाटर की, ठीक है। तो ये हो गया रिएजेंट आपका। अब आपका जो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या है, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड इज प्रोडक्ट ऑफ परकिन रिएक्शन।
तो देखिए परकिन रिएक्शन को जरा देखा जाए, बेंजाल्डिहाइड इज C6H5CHO प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड को मैं ऐसे लिख रहा हूँ H2C, C, C and CH3, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस, कौन सा, जैसा मैंने बताया है। अब आप देखो ये इसने वाटर निकाल दिया, यहाँ पे क्या निकल गया, वाटर, तो अब बन गया कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो बना वो है C6H5CH डबल बॉन्ड CH, CO, CO and CH3, दिस इज कंडेंसेशन प्रोडक्ट, और हमने कहा है इसमें वाटर चाहिए। अभी वाटर आप जैसे ही लेंगे तो अभी हीट को भी आपको दिखाया जाएगा मैकेनिज्म में, आप वाटर लेंगे तो वाटर के साथ आपके क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे H वाटर का और यहाँ पे OH, तो H और OH आ जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOOH एंड CH3COH, ये प्रोडक्ट बना, दिस इज सिनेमिक एसिड, दिस इज सिनेमिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट एसिड, सिनेमिक एसिड बन गया यहाँ, ठीक है। चलिए तो इसके मैकेनिज्म की हम लोग बात करते हैं कैसे ये रिएक्शन होता है। तो देखो मैकेनिज्म की अगर सिंपल सी बात करें तो सबसे पहली बात, ये जो बेस है ये एसिडिक जगह पे अटैक करना चाहेगा, और हम सभी जानते हैं कीटो एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है ये इस्टर है, एनहाइड्राइड है, इसमें भी ये हाइड्रोजन अल्फा वाला एसिडिक होता है, तो ये बेस इसी पे अटैक करेगा, ठीक है। तो जब ये अटैक करेगा तो आप देखो क्या है, बेस मान लीजिए आपने सोडियम एसिटेट लिया था, सोडियम सॉल्ट, क्योंकि एसिडिक एनहाइड्राइड है तो यहाँ सोडियम सॉल्ट सोडियम एसिटेट, तो सोडियम एसिटेट का जो एनायनिक पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, बेस से आया हुआ पार्ट, और ये पार्ट अटैक किया CH2CO, फिर OCO and CH3, इस पे अटैक किया, और यहां अटैक किया तो इनोलेट जैसा इसने आयन बना दिया, देखिए इस तरीके से एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया और इन्होंने दे दिया CH3COOH, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा ये CH3COH की नहीं बात हो रही है, दिस इज फर्स्ट स्टेप, बेस ने अटैक करके लिया इससे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इनोलेट जैसा आयन बन गया COO CO and CH3, दिस इज नेगेटिव चार्ज, क्लियर है। अब ये नेगेटिव चार्ज एक कार्ब एनायन की तरह बिहेव कर रहा है, और ये कार्ब एनायन अटैक करेगा बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे, और कैसे प्रोडक्ट बनाएगा, तो आइए हम लोग यहां देख लेते हैं इसको। ये आपका रिएक्शन हो गया है, अब आइए हम लोग जल्दी से जरा देखते हैं प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा। तो आप देखो ये कार्ब एनायन बेंजाल्डिहाइड C6H5CHO प्लस CH2COOCO and CH3, दिस इज नेगेटिव चार्ज, और यहां पे आपको मालूम है कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ये यहां अटैक करेगा, और अटैक किया तो प्रोडक्ट क्या बना, C6H5CH, हमने O माइनस यहां लिख दिया ऊपर, और यहां देखो CH2COOCO and CH3, ये बना। अब यहां पे आपको पता है CH3COOH, ये CH3CO माइनस पार्ट है बेस का, बेस इज अ कैटलिस्ट, तो वो तो अब बाहर निकल जाएगा, तो ये H अब कहां जाता है, यहां पे वापस C6H5CHOH CH2COOCO CH3, क्लियर। अब इस केस में जब आप वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, तो जब आप वाटर ऐड करते हैं तो आप देखिए यहां पे क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें तो और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा CO CO CH3। अब यहां पे अगर वाटर आप देखोगे तो क्या होगा, आप अभी हमने बताया था यहां पे H आएगा और यहां पे OH आएगा, अगर ऐसा हुआ तो प्रोडक्ट क्या बना है इस केस में, C6H5 CH OH CH2 COOH, CH2COOH प्लस CH3COH, ये बना प्रोडक्ट, और हम जानते हैं लास्ट में आपको हीट करना है, और हीट करेंगे तो
अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड, क्योंकि हीट से क्या होने वाला है, डिहाइड्रेशन। इसीलिए मैंने कहा था किन किन चीजों की प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है। हीट में यहाँ वाटर के साथ एच प्लस भी होगा, आसानी से होगा क्योंकि एसिटिक एसिड बन ही रहा है, थोड़ा एसिडिक मीडियम होगा तो अच्छा रहेगा डिहाइड्रेशन के लिए। C6H5CH, डबल बॉन्ड CH COOH, दिस इज सिनेमिक एसिड, दिस इज सिनेमिक एसिड। तो दिस इज पर्किन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्लियर है। चलिए तो आज के वीडियोस के लिए यही कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एल्डिहाइड कीटोन के और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं, अमोनिया डेरिवेटिव के कुछ रिएक्शंस हैं, मतलब इस चैप्टर के काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग कंक्लूड करेंगे, ठीक है। बाकी आपको मालूम ही है, स्टे सेफ और केमिस्ट्री को एंजॉय करते रहिए। वीडियो से आपको फायदा हो रहा है तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दोस्तों को बताओ, ठीक है। थैंक यू सो मच।